मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। प्रश्न है, जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? सतो प्रधान पुरुषार्थी की निशानी पहले स्वयं की स्वयं का परिवर्तन करें। तो प्रधान पुरुषार्थी की निशानी बैलेंस लाइफ रहेगी, पुरानी दुनिया की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। देखो बाबा कहते हैं, वह औरों को भी आप समान बनाएंगे, वह औरों को भी आप समान बनाएंगे, वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे, वह बहुतों का कल्याण करते रहेंगे। ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे, ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे। इक्कीस जन्मों के लिए वर्षा लेंगे, इक्कीस जन्मों के लिए वर्षा लेंगे। हेलो हेलो हेलो, हाँ शांति, हेलो सब हैं कि नहीं? हाँ ठीक, और कौन है? अच्छा आवाज कम आ रही अभी। हाँ माइक के पास रखना पड़ेगा, एक मिनट इसको रखो स्पीकर, एक मिनट ना ऐसे स्पीकर के पास रखना नीचे वाले, एक बार फोन में पूछ लेंगे आवाज आ रही कि नहीं। ठीक, 21 जन्मों के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं तुम उनके सम्मुख बैठे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको कहते हैं शिवाय नमः, तुमको तो नमः नहीं करना है, हमारा तो बाप है तो हमको प्रणाम करने की जरूरत नहीं। बाप को बच्चे याद करते हैं नमः कभी नहीं करते, यह भी बाप है, इनसे तुमको वर्षा मिलता है, तुम नमः नहीं करते। माँ बाप को बच्चे बार बार प्रणाम नहीं करते, याद करते हो। जीव की आत्मा याद करती है, बाप ने इस तन का लोन लिया है, वह हमको रास्ता बता रहे हैं, बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुम भी अच्छी रीति जानते हो सत्युग है सुखधाम, और जहाँ आत्माएं रहती है उसको कहा जाता है शांति धाम। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शांति धाम के वासी हैं। इस कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। तुम जानते हो आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही है। यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं ना,
मनुष्य से देवता बनना है नई दुनिया के लिए। क्या तैयारी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको यहाँ से अब क्या होना है, ट्रांसफर होना है, लायक बने बिना हम वहाँ नहीं जा सकते। तो बाबा भी कहते हैं, बाप द्वारा तुम पढ़ते हो, जितना पढ़ेंगे, पढ़ाई में पुरुषार्थ कोई का तीखा होता है और कोई का ढीला होता है। सतोप्रधान पुरुषार्थी जो होते हैं वह दूसरे को भी आप समान बनाने का नंबर वार पुरुषार्थ कराते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं। जितना धन सदि से झोली भर कर और दान करेंगे उतना तुमको फायदा होगा। मनुष्य दान करते हैं उसका दूसरे जन्म में अल्प काल के लिए मिलता है, इस उसमें थोड़ा सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। दान भी किया तो एक जन्म का फल, और यहाँ किया तो पूरे एक के जन्म का हमको फल मिलता है। तो बाबा भी कहते हैं, तुमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलते हैं, कहाँ स्वर्ग का सुख और कहाँ यह दुख। बेहद के बाप द्वारा तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलता है। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं ना, वह है इनडायरेक्ट, और अभी तुम हो सम्मुख, है ना, हम तो सामने बाबा से वर्षा ले रहे। अब बाप बैठ समझाते, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिलता है, और यहाँ मिलने वाला है पूरे 21 जन्म। यहाँ कलयुग में तो पाप ही पाप होता रहता है, कोई अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा पाप आदि करते हैं तो उसको ऐसा ही मिलता है। तो यहाँ कलयुग में तो पाप ही पाप होते रहते, पुण्य तो होता ही नहीं। कर के अल्प काल के लिए सुख मिलता है, अभी तो तुम भविष्य सत्युग में 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो। उसका नाम ही है सुखधाम। प्रदर्शनी में भी तुम लिख सकते हो कि शांति धाम और सुखधाम का ये मार्ग है। कहाँ जाने का मार्ग है? शांति धाम और सुखधाम। शांति धाम और सुखधाम में जाने का सहज मार्ग अभी तो है कलयुग ना, कलयुग से सत्युग, पति दुनिया से पावन दुनिया में जाने का सहज रास्ता बिगर कौड़ी खर्चा। कोई भी खर्चा नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो क्या मिल रहा है हमको, फ्री में कितनी कमाई हो रही है, कितनी कमाई हो रही है, पदमों की कमाई और जन्मों की कमाई हो रही है। तो मनुष्य समझे, क्योंकि इस समय मनुष्य पत्थर बुद्धि है ना, बाप बिल्कुल सहज करके समझाते। इसका नाम ही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। बाप तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं, सेंसिबल माना समझदार। ये लक्ष्मी नारायण क्या है? समझदार, सेंसिबल। भल कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है, वह सब है झूठे कलंक। कृष्ण कहता है, मैया मैं नहीं माखन खाए बोले। अब बताओ भला वो कहाँ किसका, कृष्ण जो सत्युग का राजकुमार, वो किसके घर का माखन चुरा के खाएगा क्या, चोरी करके खाए तो उसको क्या कहेंगे। यहाँ भी बच्चा किसी के घर का डब्बा का टिफिन खा के आ जाता है स्कूल में, किसी के घर से कुछ चुरा के लेके आ जाता है तो भी माँ दो थप्पड़ मारेगी। और सत्युग का कृष्ण माखन चोरी करे तो कलयुग के और सत्युग के बच्चे में अंतर ही क्या होगा। वहाँ तो बाबा कहते सत्युग में कोई भी बच्चे चंचल नहीं होते, इसलिए चंचल बच्चे भी सत्युग में नहीं जा सकते। चंचलता भी एक तरीके से सूक्ष्म कलयुग की निशानी। और बाबा हमको क्या कह रहा है, वहाँ तो सत्युग में बच्चे भी चंचल नहीं होंगे, ऐसे रमणीक होना अलग होता है, चंचल होना अलग होता है। तो बाबा भी कहते हैं, मैंने माखन खायो कहते, अब इसका अर्थ नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं, तो बाकी क्या खाया, किसने खाया, अगर माखन नहीं खाया तो किसने खाया। बच्चे को तो दूध पिलाया जाता है, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे, दूध पिएंगे। यह जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि, ऐसी कोई बातें है नहीं, वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है। महिमा तो एक शिव बाबा की ही है, दुनिया में और किसी की महिमा है नहीं। इस समय तो सब पतित है, परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है, भक्त माला भी गाई जाती है ना। फीमेल्स में मीरा का नाम है और मेल्स में नारद का मुख्य गाया हुआ है ना? तुम जानते हो, एक है भक्त माला, दूसरी है ज्ञान माला। अब भक्त माला में मीरा बाई हो गई, मीरा बाई ने केवल एक संबंध छोड़ा,
जोड़ा है ना, एक ही जगत संबंध जोड़ा उससे। और हमको यहाँ पे बाबा से हर संबंध जोड़ना है, केवल एक संबंध नहीं, हमारा सारा संबंध बाबा से। तो वो भक्ति में जैसे सूरदास जी ने भी एक ही संबंध जोड़ा, मीरा ने भी एक ही संबंध जोड़ा, तो एक का भी कितना अनुभव बाबा ने कराया भक्ति मार्ग वालों को भी। तो वो है अल्पकाल का, और यहाँ हमारा तो सदा काल का हर संबंध का बाबा से अनुभव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। तो बाबा भी कहते हैं तुम जानते हो एक है भक्तमाला, दूसरी है ज्ञानमाला, क्योंकि ज्ञानमाला में देह अभिमान की कोई बात ही नहीं है, अपने को आत्मा समझा है, परमात्मा भी बिना शरीर वाला है, तो बिना शरीर वाले के साथ एक साथ सर्व संबंध हो सकता है, लेकिन शरीर वाले के साथ एक साथ सर्व संबंध नहीं हो सकता। इसलिए बाबा भी कहते हैं भक्तमाला से रुद्रमाला के बने हैं, पर रुद्रमाला से विष्णु की माला बनती है, रुद्रमाला है संगम युग की, यह राज तुम बच्चों की बुद्धि में है, ये बातें तुमको बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। सम्मुख जब बैठते हो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अब बाबा के सामने क्लास में बैठ के मुरली सुन रहे हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है या खुद पढ़ लो तो मज़ा आता है, कौन सा मज़ा आएगा? खुद पढ़ेंगे 10 मिनट में मुरली खत्म हो गई, काम नियम पूरा हो गया नहीं। लेकिन अगर क्लास में बैठे हैं तो पूरा डिटेल समझेंगे, एक एक लाइन को गहराई से समझेंगे, एक एक शब्द को गहराई से समझेंगे, ताकि वो हमारे जीवन में भी आ जाए। बाप ने कहा ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, तो उन्होंने फिर देवियों के वो स्थूल अस्त्र शस्त्र दे दिए, और ये सारे अस्त्र शस्त्र कौन से? हमारे पास ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र। वह तो है हिंसक चीज और देवियां कभी हिंसा का कार्य नहीं करती। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि स्वदर्शन चक्र क्या है। शास्त्रों में कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र दे हिंसा ही हिंसा दिखा दी। वास्तव में है ज्ञान की बात, तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, उन्होंने फिर हिंसा की बात दिखा दी है। तुम बच्चों को अब स्व अर्थात चक्र का ज्ञान मिला है। तुमको बाबा कहते हैं ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी। इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। तुम्हारे में सारे 84 जन्मों का और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पहले सत्युग में एक सूर्यवंशी धर्म है, फिर चंद्रवंशी है, दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। सूर्यवंशी भी स्वर्ग में कहेंगे, चंद्रवंशी भी स्वर्ग में कहेंगे, लेकिन सूर्यवंशी है संपूर्ण स्वर्ग में और चंद्रवंशी है सेमी स्वर्ग में। अपेक्षाकृत कम सुख है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में है। जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया है, तुम पढ़कर होशियार हुए हो, अब तुमको फिर औरों का कल्याण करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जब तक ब्रह्मा मुखवंशाली वले नहीं बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? वर्षा किससे मिलेगा? शिव बाबा से। अभी तुम बने हो ब्राह्मण, वर्षा शिव बाबा से ले रहे हो, ये भूलना नहीं चाहिए, पॉइंट नोट करने चाहिए। अच्छी अच्छी पॉइंट क्या करो, नोट करो। ये सीढ़ी है 84 जन्मों की, सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है और चढ़ने में मेहनत लगती है, लेकिन हमारे लिए तो लिफ्ट है। कौन मिला है लिफ्ट? अगर बाप दादा की नज़रों में समा गए, दिल में ही बैठे रहे तो लिफ्ट का काम है। चढ़ते उतरते हैं, चढ़ते उतरते हैं, कभी दिल में चढ़ते हैं, कभी फिर ऐसा काम करके नीचे उतरते हैं, फिर चढ़ने की मेहनत करते, तो मेहनत है। और सदा दिल पर चढ़े रहने वाला काम कर रहे हैं तो लिफ्ट है हमारे लिए, पुरुषार्थ की लिफ्ट है, कम समय में भी फास्ट है। इसलिए बाबा भी कहते हैं ना लास्ट सो भी फास्ट जा सकता है, किस आधार पर? बाप के दिल पर चढ़ और चढ़ाया ही रहे, उतरने वाला कोई काम ना करे, नहीं तो उतरने और चढ़ने में ही समय मेहनत ज़्यादा लग जाती। इसलिए बाबा कहते हैं सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है, जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो कमर को हाथ देके कैसे चढ़ते हैं? परंतु तुमको तो क्या है अभी लिफ्ट भी है, अब तो क्या है लिफ्ट का जमाना आ गया ना, तो बाबा कहते तुमको लिफ्ट भी है। अभी बाबा आते ही हैं तुमको लिफ्ट देने। क्या देने आया बाबा हमको? लिफ्ट देने के लिए आया। इसलिए क्या करना है? एक का बटन, एक बाबा की याद का बटन दबाओ सर्व से ऊपर, एक बाबा की ज्ञान की श्रीमत के अनुसार कदम बढ़ाया, लिफ्ट मिलती जाती। जितना श्रीमत पर कदम चढ़ाया उतनी लिफ्ट, जितनी दुआएं जमा की उतनी लिफ्ट,
तो बाबा भी कहते हैं अभी बाबा आते हैं तुमको लिफ्ट देने, सेकंड में चढ़ती कला होती। अब तुम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है। कौन सी कला है हमारी? चढ़ती कला। मोस्ट बिलवेड बाबा मिला है, उन जैसी प्यारी चीज कोई होती नहीं। साधु संत आदि जो भी हैं सब उस एक माशूक को याद करते हैं, सभी उनके आशिक। किसके आशिक है सर? परंतु वह कौन है ये कुछ भी समझते नहीं, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते। तुम अभी जानते हो कि शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वह है परम आत्मा। परम आत्मा माना परमात्मा, जिसका नाम है शिव। बाकी सब आत्माओं के शरीर पर नाम अलग अलग पड़ते हैं, एक ही परम आत्मा है जिसका नाम शिव है। फिर मनुष्यों ने अनेक नाम रख दिए हैं, भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं। अभी तुम अर्थ समझते हो। बॉम्बे में बाबूरी नाथ का मंदिर है, बबूलनाथ, जिसको बाबूरी नाथ या बबूलनाथ भी कहते हैं। इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, तो बबूलनाथ सामने बैठा, जितने कांटे हैं अंदर में सारे कांटे निकाल देता है, और कांटे जैसी दुख देने वाली आत्माओं को ही सुख देने वाला बना देता है। तो बाबा कहते हैं हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो, सब डिसकनेक्ट हो गए, फिर से करना पड़ेगा कनेक्ट लोगों को, सब डिसकनेक्ट हो गए। इसको पॉज कर देना। सूर्यवंशी धर्म है, फिर चंद्रवंशी, दोनों को मिलाकर ही स्वर्ग कहा जाता है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार सबकी बुद्धि में है। जैसे तुमको बाबा ने पढ़ाया है, तुम पढ़कर होशियार हुए हो, अब तुमको फिर औरों का कल्याण करना है। तो बाबा कहते हैं बॉम्बे में बबूरी नाथ का मंदिर है, इस समय तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, विश्व के मालिक बनाते हैं। तो पहली बात मुख्य यह है कि हम आत्माओं का बाप एक है, उनसे ही भारतवासियों को वर्षा मिलता है। भारत के ये लक्ष्मी नारायण मालिक है ना, चीन के तो नहीं है? चीन में आज चीन को बाबा याद किया। अब बाबा कहते हैं चीन के होते तो शक्ल ही अभी सोचो, बाबा कहते हैं अगर लक्ष्मी नारायण चीन के होते तो उनकी शक्ल भी कैसी होती? चीनियों जैसी छोटी छोटी आंखें होती। भारतवासियों की, भारतवासियों की कितनी सुंदर सुंदर आंखें होती, नाक चपटा हो जाता लक्ष्मी नारायण का, छोटा हाइट भी छोटी हो जाती अगर चीनी होते तो। नहीं तो बाबा कहते चीन के होते तो शक्ल ही और होती, यह है ही भारत के, पहले पहले गोरे फिर सांवरे बनते हैं। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सावरी बनती है, मिसाल सारा इनके ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को चेंज कर आपसमान बनाती है, सन्यासी क्या चेंज करते हैं भला, वो तो अपना केवल भगवा कपड़ा पहन लेते। सफ़ेद कपड़े वाले को गेरू कपड़े पहनाकर माथा मूंड देते, तुम तो यह ज्ञान लेते हो। यहाँ तो कोई माथा मूंडने वाली बात नहीं, ड्रेस चेंज करने वाली भी बात नहीं। वैसे हम लोग समर्पित हैं इसलिए हमारे लिए ये ड्रेस है, बाकी घर में रहने वाले तो कोई भी ड्रेस में, बाबा के बच्चे ज्ञान में चल रहे। तो बाबा कहते ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसा शोभनिक बन जाएंगे, अगर ये ज्ञान लेते रहेंगे तुम तो क्या बन जाएंगे? लक्ष्मी नारायण जैसे शोभनिक बन जाएंगे। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो यह धरती भी तमो प्रधान है, इसलिए क्या करती रहती है? नुकसान करती रहती है। आसमान में तूफान लगते हैं, कितना नुकसान करते हैं, उपद्रव होते रहते हैं। अभी इस दुनिया में है परम दुख। कैसा दुख है इस समय? परम दुख। वहाँ फिर होगा परम सुख। बाप परम दुख से परम सुख में ले जाते, इनका विनाश होता है, फिर सब सतो प्रधान बन जाता है। अभी तुम पुरसाद कर जितना बाप से वर्षा लेना है उतना ले लो, नहीं तो पिछाड़ी में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा कह रहे अभी पुरसाद नहीं किया तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना। बाबा आया हुआ है
बाबा आया हुआ है परंतु हमने कुछ लिया ही नहीं। यह लिखा हुआ है, भंभोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण नींद से जागते, फिर हाय हाय कर मर जाते। हाय हाय के बाद ही फिर क्या होनी है, जय जयकार हो। इसलिए अपनी स्थिति मजबूत बना लो। अब तो समय हमारे सामने दिखाई दे रहा विनाश का, हलचल का। बाबा तो मुरलियों में सोचो, अभी तो चलो मोबाइल के द्वारा भी मुरली सुन रहे हैं, फिर तो ये भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा फिर। इसलिए पहले स्थिति ही हमारी ऐसे टाइम पे काम आने वाली रहेगी, और कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। तो कलयुग में हाय हाय है ना, एक दो को मारते रहते, बहुत ढेर के ढेर मरेंगे। कलयुग के बाद फिर सत्युग जरूर होगा। बीच में यह है संगम, इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। बाप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति अच्छी बताते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कुछ भी करना नहीं है। एक ही मेहनत है, कौन सी, बाबा को याद करने की। लेकिन याद करना वैसे तो केवल एक काम है, बाबा को याद करना। अब सब काम हम छोड़ के बैठ जाए बाबा की याद में, बस ऐसे कर सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन बाबा की याद में हमारे विघ्न क्या है, हमारे ही संकल्प, हमारे ही कर्म बंधन, हमारे ही पुराने संस्कार, हमारे ही हिसाब किताब। अब ये बीच में रुकावट, वो जैसे वो दौड़ होती है ना, रुकावट दौड़, उसको क्या बोलते हैं, हाँ बाधा दौड़। तो बाधा दौड़ है हम लोगों की, कि बीच बीच में हम सब के क्या है, एक एक कोई ना कोई बाधा भी है, पर हमको क्या करना है, उसको उड़ उड़ के क्रॉस करना है। अगर उस बाधा में अटके तो समय आउट, पीछे हो जाएंगे फिर। इसलिए बाधा में रुकना नहीं है, पर बाधा को क्या करो, क्रॉस करना है उड़कर। तो बाबा भी कह रहे हैं कि सिर्फ मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं देखना है। माथा देखने की जरूरत हमको, बाबा ने तो माथा झुकाने से बचा दिया। नहीं, बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं, ना तो तुम आत्मा को हाथ है ना बाप को हाथ है, किसको हाथ जोड़ते हो। फिर हाथ किसको जोड़ते हो बताओ भाई। कलयुगी भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए हाथ जोड़ने का, किसके सामने, खास बाबा। अब लौकिक दुनिया में जाते तो बाहर वालों को आजकल क्या बोल रहे हैं, हाथ नहीं मिलाओ हाथ जोड़ो। नमस्ते सलाम करना है तो ना? अब बाबा भी यहाँ के रहे, यहाँ तो भगवान के सामने, भगवान इतना निरंकारी कहते मेरे सामने हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं। बाबा कहते हे आत्मा, सब सुन रही हो, मोबाइल वाली सब मोबाइल में सुन रहे हो, हेलो, हाँ जी बोलो बाबा को। तो बाबा कह रहे हैं तुमको तो यह समझना है कि हम आत्मा है, हम क्या है, आत्मा है, यही याद रखना है। याद का मतलब कोई हाथ जोड़ना नहीं है। मनुष्य तो सूर्य को भी हाथ जोड़ेंगे, कोई महात्मा को भी हाथ जोड़ेंगे, तुमको हाथ जोड़ना नहीं है, यह तो मेरा लोन लिया हुआ तन है। परंतु कोई हाथ जोड़ते हैं तो रिटर्न में मेरे को जोड़ना पड़ता है। तुमको तो यह समझना है कि हम आत्मा है, हमको इस बंधन से छूटकर अब वापस घर जाना है। इनसे तो जैसे नफरत आती है, इस पुरानी दुनिया से क्या आती है, जैसे नफरत आती है। इस पुराने शरीर को छोड़ देना है, जैसे सर्प का मिसाल है। भ्रमरी में भी कितना अक्कल है, जो कीड़े को भ्रमरी बना देती है, कीड़े को भी क्या बना देती है, भ्रमरी, भू 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 करके। अब बाबा भी कहते तुम भी क्या करते रहो, थोड़ा थोड़ा ज्ञान सबको सुनाते सुनाते सुनाते, उनको भी क्या बना दो, उड़ने वाले, उनको भी पंख दे के फरिश्ता बना दो। तुम बच्चे भी हो जो विषय सागर में, बाबा कहते तुम बच्चे भी जो विषय सागर में गोते खा रहे हैं, उनको उससे निकाल क्षीर सागर में ले जाते। अब बाप कहते हैं चलो शांति धाम, कहाँ चलो, शांति। मनुष्य शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। सन्यासियों को स्वर्ग की जीवन मुक्ति तो मिलती नहीं, हाँ मुक्ति मिलती है, दुख से छूट शांति धाम में जाकर बैठ जाते हैं। क्या मिल जाती है उनको, मुक्ति, केवल परम धाम में बैठ रहेंगे, स्वर्ग का सुख नहीं ले सकते। फिर भी आत्मा पहले पहले तो जीवन मुक्ति में आती है, पीछे फिर जीवन बंध में आती है। आत्मा सतो प्रधान है, फिर सीढ़ी उतरती है।
पहले सुख भोग, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े। अब फिर सबको वापस ले जाने के लिए बाप आए। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप ने समझाया है, जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो उस समय बड़ी तकलीफ भोगते हैं, क्योंकि क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती। अब शरीर में चाहे कितनी भी तकलीफ हो, अंत में अगर दुख का अनुभव ना हो, उसके लिए क्या अभ्यास करना है? शरीर से डिटैच होने का अभ्यास कर। नहीं तो अंत के समय, चाहे वो बीमारी के कारण, चाहे बाहरी दुनिया की समस्या के कारण, दुख का अनुभव होगा, बोझ का अनुभव होगा, पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा। अगर बोझ रखा मन के ऊपर किसी भी प्रकार का, परिवर्तन नहीं किया अगर अपनी, तो ये बाबा की वार्निंग भी है, फिर लास्ट में सजा का अनुभव होगा। इसलिए पहले से ही क्या करो, अपने संस्कार परिवर्तन करके तैयार हो जाओ। जो भी अभी कमी कमजोरी रही भी है, बाबा ने कहा हुआ है कि कयामत के पहले अपनी कमी कमजोरी विकारों का कि क्या करो, कयामत करो। अगर उसकी कयामत नहीं करेंगे तो फिर पद भ्रष्ट हो जाए। तो बाबा कहते हैं, क्योंकि सजाएं भोगनी पड़ती अंत में, जैसे कासी कलवट खाते, क्योंकि सुना है शिव पर बलि चढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। तुम अभी बलि चढ़ते हो ना, तो भक्ति मार्ग में भी फिर वह बातें चलती हैं, तो शिव पर जाकर बलि चढ़ते। अब बाप समझाते हैं, वापिस तो कोई जा नहीं सकते, हाँ इतना बलिहार जाते हैं तो पाप कट जाते हैं, फिर हिसाब किताब नए सिरे से शुरू होता है। किसका? जो भक्ति में कासी कलवट खाते हैं। एक जन्म का पाप खत्म हो जाता है, लेकिन फिर से जन्म लेके पुराना संस्कार के अनुसार फिर पाप करना शुरू हो जाता है। तुम इस सृष्टि चक्र को जान गए हो, इस समय सब की है उतरती कला। बाप कहते हैं, मैं आकर सर्व की सदगति करता हूँ, सबको घर ले जाता हूँ, पतितों को तो साथ नहीं ले जाऊंगा। पतित आत्मा घर बाबा के साथ नहीं जाएगी, इसलिए अब पवित्र बनो तो तुम्हारी ज्योत जग जाएगी। पूरे पवित्र बनना, बाहर से तो हम पवित्र बने ही हैं, बाहर के सारे नियम मर्यादाएं हम ब्राह्मण की पालन कर ही रहे, लेकिन अब सूक्ष्म धारणा के ऊपर भी ध्यान देना है कि मेरी सूक्ष्म धारणाएं भी कैसी, अंदर की मेरी वृत्ति कैसी। अगर वृत्ति में अंश भी विकार का बचा हुआ होगा, तो बाबा ने कहा है, अंत में वो अंश ही वंश के रूप में बाहर प्रकट हो जाएगा और समय पर आपको धोखा देके फेल कर देगा। इसलिए अंश भी अपने अंदर की चेकिंग करो। अगर संकल्प मात्र भी कोई बात आती है निगेटिव विकार की, या किसी भी प्रकार की ईर्ष्या की, द्वेष की, घृणा की, बदले की, अंश मात्र भी संकल्प में, बुद्धि में, फीलिंग में जरा भी आ रही है, उसको वही खत्म करो। नहीं तो वो अंदर ही फिर वो अंश, बाबा ने कहा है, ये बड़े पेपर के रूप में बड़ा हो जाएगा फिर। इसलिए छुपाना नहीं है बाबा से, कुछ भी छुपाना नहीं। तो बाबा भी कहते, पतितों को तो साथ नहीं ले जाऊंगा, इसलिए अब पवित्र बनो तो तुम्हारी ज्योत जग जाएगी, सदा अविनाशी हो जाएगी। शादी के टाइम स्त्री के माथे पर मटकी में जोत लगाते, यह रस्म भी यहाँ भारत में ही है। स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हैं, पति के ऊपर नहीं जगाते, क्योंकि पति के लिए तो कहते हैं, पति के लिए तो ईश्वर कह देते हैं, तो उसके माथे पर जोत नहीं जलाते। ईश्वर पर फिर जोत कैसे जगाएंगे? तो बाप समझाते हैं, मेरी तो ज्योत सदा जगी हुई है और हम सब उसकी सजनियाँ हैं ना, तो हमारी ज्योत जगी भी होगी तब साजन साथ लेकर जाएगा। अगर ज्योत जगी भी नहीं मिली जब बाबा लेने आए, और ज्योत जगी भी नहीं मिली बाबा को, तो साथ नहीं ले जाएगा, बराती बनना पड़ जाएगा। इसलिए ज्योत अविनाशी, अब तो ऐसा समय जो दिखाई दे रहा है, तो ये मम्मा का पाठ पक्का करो। आज से नवरात्रि चालू है, मम्मा से शक्ति लो विशेष, बाबा को भी याद करना है, साथ में मम्मा को भी इमर्स करके याद करो, दोनों शिव बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी और जगत अम्बा भी, तीनों को कंबाइन करके साथ में तीनों से शक्ति लो, क्योंकि मम्मा ने ये पाठ पक्का किया, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, और ये अंतिम घड़ी का समय ही इशारा दे रहा है हमको समय, जो कि कभी भी किसी की भी अंतिम घड़ी हो सकती है, अचानक कुछ भी हो सकता है, और इस अचानक की तैयारी अपनी गुप्त अंदर ही अंदर करते रहो।
गुप्त अंदर ही अंदर कर। तो बाबा भी कह रहे हैं कि जोत तुम्हारी सदा जगी हुई है, मैं तुम्हारी जोत जगाता हूँ। बाप को क्षमा भी कहते हैं। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति को मानते हैं, सदैव ज्योत जगी रहती है, उनको ही याद करते हैं, उनको ही भगवान समझते हैं। दूसरे फिर समझते हैं छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में समा जाएगी। सन्यासी क्या समझते हैं, छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में जाके समा जाएगी, पर तो फिर तो आत्मा मर गई समझो, फिर आप आत्मा को विनाश ही नहीं करेंगे। तो दुनिया में तो अनेक मते, बाप कहते हैं तुम्हारा धर्म तो अथाह सुख देने वाला है, तुम स्वर्ग में बहुत सुख देखते हो, नई दुनिया में तुम देवता बनते हो, तुम्हारी पढ़ाई है ही भविष्य नई दुनिया के लिए, और सब पढ़ाइयाँ यहाँ के लिए होती है, यहाँ तुमको पढ़कर भविष्य में पद पाना है। गीता में भी बरोबर राजयोग सिखलाया है, फिर पिछाड़ी में लड़ाई लगी, कुछ भी नहीं रहा, पांडवों के साथ कुत्ता दिखाते हैं। कौन गया स्वर्ग में, तो कहते केवल युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता गया। कुत्ता क्यों दिखाया, क्योंकि कुत्ते की सबसे बड़ी विशेषता है वफादार। यहाँ भी बाबा के साथ वफादार पूरा बनना, अंदर बाहर से उनको पूरा वफादार बनना, तब बाबा के साथ स्वर्ग, बाबा स्वर्ग में भेजे।